Jason has won. What are you gonna do and why? We're gonna bat first. I think it seems to be a pretty good wicket. And two badlaw kiye hain West Indies ne is muqable ke liye. Bharati team ka badlaw, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav ki jagah team mein aaye hain. And Fabian Allen and Keema Paul, in dono ki waapsi hui hai West Indies team mein. कॉमेडी बॉक्स में मेरे साथ अजय जाडेजा है, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। ये देखिए, ये कर सकते हैं क्रिस गेल, और ये तो इनका पाला है। ये इसी की बात कर रहे थे कि आप अपने आप को आजादी क्यों नहीं दे सकते, आजादी थी तो सोचना यही है कि आज मेरा दिन है। जाएगी बड़ी मुश्किल से पहुंची है, रन मिले चार। और अब सुनहरा मौका है आपके पास, टूट पड़ी है गेंदबाज के ऊपर। गेंद को बाउंड्री के उस पार भेजा था, धीमी गति की गेंद, नकल बॉल, लेकिन लेंथ ऐसी थी कि ये शॉट खेला जा सकता था। आगे की गेंद
तक पीछे क्योंकि पिछली टीम के थे डॉट बॉल हो गई है। अब आप ढूंढ रहे हैं कहां से सिंगल निकालूं, एडजस्ट करने गए। बढ़िया स्ट्रोक, रोक नहीं पाएंगे। चार रन कमाल गए इसको, अद्भुत स्ट्रोक। शॉट डाली और वहां पे शॉट मारे, बिल्कुल स्टंप के पास पहुंच चुके थे। 85 मीटर बहुत लंबा छक्का। पूरन लगे हुए हैं, सिंगल लिया कप्तान ने, स्ट्राइक प्ले किया पूरन को और पूरन जो काम करने के लिए भेजा गया है। बॉल टर्न हुआ और स्टंप के बाहर से खींचा और बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच छक्के, बड़े छक्के सेम एरिया में, मिड विकेट के एरिया में जहां आप पसंद करते हैं मारना। फील्डर मौजूद और विकेट की जरूरत थी और विकेट दिलाई मोहम्मद शमी ने। सीमा प्रियंती आगे बोल, आसान सा कैच बल्ले के बीच, विराट कोहली सामने खड़े। शॉट छक्का मारने का प्लान था, बंदे पहले कॉल किया, भागे आंख बिल्कुल बॉल पे, ग्लव्स उतारा हुआ है। बाउंड्री के साथ ये इनिंग समाप्त होगी यहाँ वेस्ट इंडीज। थोड़े से निराश होंगे कि 240 तक ही पहुंच पाए क्योंकि 115 रनों की शुरुआत दी थी क्रिस गेल और एविन लुइस ने। गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार महंगे साबित हुए, 5 ओवर में 1 मिडल था, उसके बावजूद 48 रन दिए नई गेंद के साथ। खाता खोला रोहित शर्मा ने बाउंड्री के साथ, खूबसूरत शॉट। यह खास बात है इस बल्लेबाज में, कहीं और मारने का मन बनाया, बॉलर ने कहीं और डाला और बिल्कुल खड़े उतरे वहां। ओहो फंस गए दोनों एक ही तरफ। आप देखना होगा तीसरे अंपायर के पास जाएंगे नाइजल लॉन्ग, ये बताएंगे रोहित शर्मा वापस पहुंचे या नहीं। आगे यहां तो बहुत मुश्किल है, जी हां बहुत दूर लाइव के बावजूद। पहला झटका लगाया, जानबूझ के खेला गया ये शॉट, कर गए गलती, क्या बच पाएंगे कि नहीं, नहीं पकड़ा गया और खड़ी कर दी ऊपर। मिड ऑफ के फील्डर कीमो पॉल पीछे भागे, काफी भागना तो उनको देखिए 30 यार्ड के दायरे से काफी पीछे है। शिखर धवन, शिखर धवन का ही सलाम देंगे और ये एक बार फिर कीमो पॉल के पास गई है और एक बार फिर पकड़ ली है। ऋषभ पंत की पारी कुछ ऐसी ही रही, ये पूरी पारी है आज की, पहला ही गेंद है और मिड विकेट की तरफ खेलने की कोशिश की उस स्पिन गेंदबाज को जिसकी इतनी स्पिन होती नहीं। यहाँ सेट बल्लेबाजी कर रहा हूँ, बल्लेबाजी कमाल का, ये स्ट्रोक बहुत बढ़िया मारने का स्ट्रोक श्रेष्ठ है। 4 रन बैट कर आप देख रहे हैं तो बल्लेबाजी एक साझेदारी बन रही तो अच्छा लग रहा है। ये देखिए चौका, क्या जबरदस्त शॉट खेला ये विराट कोहली ने। ओह
गेंद थोड़ी सी छोटी थी, देखा वहां उन्होंने और सिंगल के साथ अर्धशतक किया पूरा। 48 गेंदों का किया सामना, कमाल की ये पारी और एक बार फिर सारा दारमदार कप्तान विराट कोहली पर। बड़ा स्ट्रोक सुरेश अय्यर, पकड़ 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 आशीष अय्यर, पकड़ आशीष अय्यर, गेंद मेरे हाथ में ही आ गई, थोड़ी सी हवा दी थी, सीधे बल्ले से ये शॉट खेला है। ये छोटा गेंद इस बार बैकफुट से कर दिया है, पुल और पुल पे छक्का, कमाल की बल्लेबाजी सुरेश अय्यर द्वारा, 133 पर 3 भारत। ओवर के उसको सीधे बल्ले से छक्का मारा और अब आधे पिच पर की गेंद और देखिए कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया और ये तीसरा छक्का अय्यर द्वारा। गाड़ी का जो गियर है दूसरे तीसरे से सीधा पांचवा लगा दिया है।